नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। और हमारे आज के इस खास सेगमेंट खबर दिनभर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। और आज की बड़ी खबर, आज महंगाई को लेकर कांग्रेसियों का दिल्ली में हल्ला बोल। राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा, वहीं पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री विधायक पदाधिकारी दिल्ली रामलीला मैदान में कल से ही डटे हुए हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल महारैली का आयोजन हो रहा है। अंदर काम हो रहा था यूपी गवर्नमेंट में, सोनिया गांधी जी ने मनमोहन जी से मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार दे के कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया। और एक माहौल ऐसा बनाया गया जो लड़े हम लड़े थे आरटीआई के माध्यम से। और आज नागौर में किसान भाजपा मोर्चा का किसान आंदोलन। डीडवाना में भाजपा की ओर से संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, राजमन सांसद दिया कुमारी, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व मंत्री सीआर चौधरी सहित भाजपा के अनेक नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन के माध्यम से किसानों को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया और मोदी सरकार की किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को साधने का प्रयास किया गया। 51 ट्रैक्टरों के साथ वाहन रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित उनके भाजपा नेताओं ने भाग लिया। गहलोत सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए गहलोत सरकार पर किसान, मजदूर, आमजन, कर्मचारी विरोध होने के साथ ही हिंदू और गाय विरोधी होने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, मगर 352 दिन गुजरने के बाद भी 7 लाख किसान 1,30,00,000 रुपए की कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी के कारण कर्ज नहीं चुका पाने से सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर फिर से 530 करोड़ का भार डाल दिया है। ऐसी सरकार को एक भी दिन शासन में रहने का कोई हक नहीं है। और राजस्थान के मुखिया डीजीपी ने अपनी पत्नी के साथ बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। डीजीपी ने पत्नी के साथ बालाजी महाराज के दर्शन कर की पूजा अर्चना, साथ ही दौसा कलेक्टर कमर चौधरी और दौसा एसपी संजीव नैन भी साथ रहे। बालाजी मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधियों द्वारा डीजीपी का शॉल ओढ़कर किया अभिनंदन, साथ ही बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट की गई। मतलब कैसा लगा और मतलब यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं करीब 1.5 साल बाद यहाँ पर आया हूँ। पिछले साल जब मैं फरवरी में आया था तब यहाँ का ये निर्माण चल रहा था। उस टाइम पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन आज जब आकर देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो नया इन्होंने इसमें सुधार किया है, चाहे वो क्राउड कंट्रोल का मामला हो, इतना अच्छा इंतजाम किया है कि मेरे ख्याल जो सरकार की मंशा है, जो अभी आज भी मीटिंग हुआ था और 1 महीना पहले भी मीटिंग हुआ था, उसमें एक भी मंदिर समितियों द्वारा कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ के जो मंदिर समिति है उन्होंने उसी अनुकूल इंतजाम किए हैं और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और भगवान की तो अनुभूतियाँ बहुत ही अच्छी है। मंदिर ट्रस्ट प्रोटोनिधि ने दौसा कलेक्टर व एसपी का स्वागत किया, बालाजी महाराज को मोदक प्रसादी भेंट की, साथ ही डीजीपी ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और मामला अलवर जिले का है, जहां एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के सिहाली काला गांव में 25 अगस्त की रात्रि को एक वृद्धा कृष्णा देवी की हत्या का मामला सामने आया था। मौके पर मुंडावर थाना पुलिस ने पहुंचकर एमओबी एसएफएल की टीम के द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर घटना स्थल की फोटोग्राफी भी की। मौका स्थल पर नीमराणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना ने मुंडावर थाना प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में मामले को लेकर टीम गठित की। वृद्ध महिला की हत्या के मामला उसके पुत्र बलराम के द्वारा मुंडावर थाने में दर्ज करवाया गया था। और अब मामला जैसलमेर का है, जहां भील समाज की एक बेटी ने अपने गाँव का नाम रोशन किया। भील समाज की पहली बेटी लाछो भील राम देवरा द्वारा पुलिस विभाग उपनिरीक्षक पद हासिल करने पर पोकरण में भील समाज में विशेष उत्साह देखने को मिला। थानेदार बनने के बाद पहली बार परमाणु नगरी पोकरण पहुंचने पर लाछो भील का भव्य स्वागत किया गया। पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर 2 स्टार लगाकर पहुंचने पर भील समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया।
कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाए और उनको आगे बढ़ाए और उनका सपोर्ट करे बच्चों का, क्योंकि ज़्यादातर ना महिलाओं को पढ़ाते नहीं है बच्चों को कि क्या करेगी आगे ससुराल में जाके क्या करेगी हमें, लेकिन एक मतलब आगे इतने यहाँ तक पहुँचते तो कितनी खुशी होती है मम्मी पापा को। मेरा सबसे ज़्यादा पापा मम्मी ने सपोर्ट किया, उनको मैं हमेशा सुख दुख में मेरे साथ में खड़ी है, और मेरे भाई सूरज भाई और मेरी मैडम है यहाँ रेणु मैडम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा और काफ़ी जनों का सपोर्ट रहा है मेरे इसमें। लेकिन स्थितियाँ कभी कभी आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, लेकिन कभी हार नहीं मानी मैंने, हमेशा लगी रही और हमेशा मेहनत करती रही और आज आपके सामने। और अब खबर दौसा से है, जहां दिन प्रतिदिन तेंदुए का परिवार बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन तेंदुआ का परिवार बढ़ता जा रहा है। पहले तो तेंदुआ नीलकंठ की पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में कई बार नजर आया करता था, लेकिन धीरे धीरे यह जिले में लगभग तमाम तहसीलों में नजर आने लगा। बात की जाए चार दिन पहले की, तो दौसा की पहाड़ी की तलहटी के नीचे बसा सोमनाथ मंदिर में पानी की टंकी के पास तेंदुआ पानी पीने आया तो लोगों को दिखाई दिया। लोगों ने उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। उधर बात की जाए बांदीकुई की, तो यहाँ भी बीते दिनों पैंथर का मूवमेंट दिखा तो ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई। मामला मुही गांव के कुंडा माता मंदिर के पास एक पैंथर घायल अवस्था में नजर आया। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद ग्रामीण जिला वन अधिकारी चेतन कुमार का कहना है कि पैंथर घायल अवस्था में था, रेस्क्यू करके जयपुर भिजवा दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।